हेलो डियर माइक इंसिडेंट, जैसा हम अब देखते हैं ये गोले हमारे सामने हैं तो हम जाने वाले हैं वो बंगलों के ऊपर। मुझे पता नहीं पर कुछ अजीब लग रहा है यार, इतना ऊंचा और एकदम स्ट्रेट ये देखने में। तो हम वहाँ जाने वाले हैं, तो मैं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि जैसे ये हमारा तीसरा विलेज है, जिससे पहले हम दो विलेज ढूंढ चुके हैं, उन्हें थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है मैंने, और जस्ट ये तीसरा विलेज है। जस्ट आपने पहले देखा था ना, जब हमने गोल्ड और ये सब एक साथ निकाला था, वो वाला विलेज अलग है दूसरा, और ये दूसरा वाला विलेज है। तो जैसे हम जा रहे हैं, थोड़ा देख परख के चलते रहते हैं भाई। ओहो, कुछ ले लें इनके पास से भी, चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब हमें जाना है, चलो चलते हैं डुबकी लगा के। तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कोई आए। ये तो पूरा स्ट्रेट है, शायद माइनिंग एरिया है। हाँ, किसी ने माइन की थी और ऐसा ऐसे छोड़ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ चीज़ें एक्सप्लोर करना है, हम एडवेंचर पे आए हैं भाई। कोई देखिए, अलग अलग तरह के रॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पर हमें, तो हम अभी ले नहीं जाएंगे। हम तो अभी एक जैसे मैंने आपको बताया तो जैसे कि हम एडवेंचर पे आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सप्लोर करो चीज़ों को, देखो परखो दुनिया में क्या चल रहा है। देखो अच्छा, आप देख रहे हैं जो ये बीचों बीच एकदम ये बीचों, देखो देखो दो होल दिख रहे हैं आपको, रुको वेट अ मिनट, ये देखो देखो दो होल दिख रहे हैं। वहाँ माइनिंग एरिया है जहाँ से बहुत सारे हुआ है, तो साथ में मैं कुछ पिकेक्स लाया हूँ ताकि कहीं ऊपर ऊपर ही हमें जैसे कोल और ये मिल जाता है तो हम ले चलेंगे। मशरूम है शायद, मशरूम उठा लेते हैं पहले, क्या काम में आते हैं वैसे हमें पता तो नहीं है। चलो ठीक, तीन मशरूम उठा लिए हैं। अब देखो ये कोल मिल गया है, तो इसे ढूंढान के लिए जाने का काम हमारा ही रहेगा। इतना सारा कोल मिलता है भाई, तो कोल से क्या होता है, हम विलेज अपना अपग्रेड कर सकते हैं भाई, थोड़ा उन्हें भी सहायता मिलेगी हमारे ट्रेडर्स को। ट्रेडर्स तो हमारी एक्सपी भी थोड़ी बढ़ती रहेगी, एक्सप्लोर करने के साथ बहुत सारे काम हो जाएंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे थोड़ा बहुत मैं ये करते जाऊंगा, आपको ये शायद बोरिंग लगे, तो प्लीज़ 10 से 20 सेकंड तक सिर्फ आगे वीडियो बढ़ा सकते हैं आप, क्योंकि उसके बाद तो हम अलग ही दिशा में जाएंगे। वैसे मुझे एक्चुअली पता नहीं है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमें विलेज एक्सप्लोर करें भाई, और विलेज मिले वहाँ से लूटें, थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई करें, थोड़ा बहुत ट्रेडर्स की इनकम बढ़ाएं और निकल चलें वहाँ से। और मेन हमारा काम लूट ही रहता है कि भाई वहाँ से कुछ भी हो तो ले आए, ताकि हमारा जो मेन विलेज है जिस पर हम मेन फोकस कर रहे हैं वो थोड़ा ग्रो हो सके। एक बार वो विलेज ग्रो होता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे विलेजों को भी टारगेट बनाते हैं कि भाई इसे भी ग्रो करते चलें, ताकि ये पीछे ना रह जाए। और हाँ भाई, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो हमारी अगली वीडियो बनेगी ना, जैसे किसी टॉपिक उसका हम इसी वीडियो में बताने वाला, और मैं अभी बता देता हूँ कि उसका टॉपिक रहेगा कि खजाने की खोज रहेगी भाई, जहाँ पर हम मैं जो क्रिप्टोग्राफी टेबल रहती है उसका जो ओनर रहता है उससे हमने डिस्कस किया है। आप समझ सकते हो कि हमने उससे थोड़ा बहुत ट्रेड किया है, और उसने अब एक हमें मैप देने की सोची है। जब हम उससे ट्रेड कर लेते हैं वो वाला, जब उसे कंपास देना पड़ेगा और कुछ, ओके, तो उससे ट्रेड करने के बाद हमें वो एक मैप देगा जहाँ पर बहुत सारा खजाना रहेगा, तो वही खजाने की खोज में हम जाएंगे अगली वाली वीडियो में। मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि भाई मैं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना एक कंपास के लिए सब ये करना, और शुगर केन थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ढूंढने जाए तो कि जाना तो पड़ेगा ना ढूंढने, ऐसा तो नहीं है कि छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बताना पड़ेगा ना आपको सब क्या हो रहा है इस गेम में। चलो ठीक, कोल वोल भी हो गया। ओ, उठ क्यों नहीं रहा है भाई,
इतना सारा कोल भाई आपको एक जगह मिल जाता है। आप क्या करते हो, बहुत माइनिंग करते हो, तो माइनिंग करने नहीं, ये गेम एक्सप्लोर करने के लिए ज़्यादातर होता है, ताकि एक्सप्लोर करे तो आपको सब मिल जाता है। तो कहीं कहीं पर फार्म भी बनाने रहते हैं, तो भाई आपके हिसाब से, आप यदि क्रिएटिव माइंडेड हो तो आप क्या करोगे, थोड़ी बहुत माइन बना के उसे बाद में सिर्फ घर और ये बनाओगे, उसके बाद कुछ होता ही नहीं, क्योंकि माइन आपने बनाई ही है, कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, कुछ बना सकते हो, बाकी तो कुछ नहीं है वहाँ पर। तो अपने अपने हिसाब से रहता है भाई कौन क्या करता है। तो सो लेट्स कलेक्ट देम। टूटना, चलो हो गया हमारा काम। यहाँ से हमने कुछ कोल लिया है भाई, कोल बहुत सारा है, तो कोल हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत काम में देता है कोल, टॉर्च वॉर्च बनाने के काम में, और भी बहुत सारे काम होते हैं कोल के, एक ही काम नहीं होता है। तो एक बार की मैं बात बताऊँ, इसमें थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है कि आप डायरेक्ट लावा में ना कूद जाएं। मैं एक बार गोल्ड खोद रहा था, गोल्ड खोदते खोदते, ओहो भाई क्या व्यू है, वाट रुको एक स्क्रीनशॉट लेता हूँ, सॉरी भाई कुछ तकलीफ हो जाए तो, बाकी एक स्क्रीनशॉट तो इसका बनता है। तो लेट्स गो आगे, आगे देखेंगे भाई चल क्या रहा है इसमें। फॉल्स है, एक और विलेज की तरफ आ गए हम, यानी कि आज का दिन हमारा शुभ है, एक और विलेज की खोज में। नीचे कुछ ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, और ये विलेज है वहाँ पर, आप देख सकते हैं एक रेबिट है, और ये विलेज है बहुत ही पुराना और भयंकर तरीके से लग रहा है, शायद ज़ॉम्बी विलेज है। तो पहले हम क्या करेंगे भाई, हमारा बेड लाए हैं क्या, इसे बोलते हैं लोड़े लगना। पूरी रात अब ऐसे गुजारनी पड़ेगी जैसे आप सोच भी नहीं सकते। रुको मैं विलेज में जाके सो सकता हूँ क्या, या फिर मुझे घर के अंदर रहना पड़ेगा। लेकिन तो मैं इस बड़े वाले ग्राउंड पे पूरा समय अपना बिताऊंगा। सो लेट्स लुक एट दैट, ज़ॉम्बी आएंगे उन्हें मारना रहेगा, और बूम नहीं मार पाए तो हमें मार देंगे। ओके ठीक, तो भाई इनसे तो खतरा मोल लेना ही बेकार है। ये देखो पबजी में हम मूवमेंट करते हैं ना, वैसा भी आप मूवमेंट एकदम राउंडेड मूवमेंट कर सकते हो। भाई मैं आयरन सोर्ड को भी यहाँ रख लेता हूँ, क्योंकि बहुत ही खतरनाक मुझे दिख रहा है मामला, ऐसे सोल्व नहीं होने वाला है। और मेरे पास क्या डट वट ज़्यादा है नहीं है, तीन और एक यहाँ और तीन खुल की जगह रख लेता हूँ, मामला आसानी से तो नहीं निपटेगा, लेकिन ट्राई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। चूतिया पंती में भी हमने महारत वैसे तो हासिल की हुई है, देखो ये आ गए, ये वो वाला डायलॉग है, आए हम बाराती बाराती। इसमें जो ये आप देख रहे हैं हमारे सामने मोहताज खड़े हुए, इनसे बहुत ही घबराना पड़ता है भाई, समय का भरोसा नहीं, कब पलटी मार जाए इनकी वजह से। वो ये यदि मेरी तरफ अट्रैक्ट हुआ तो मुझे अपनी फाड़ तोड़ के जानी पड़ेगी, चाहे मैं कितना भी आर्मर्ड क्यों ना। लेकिन हमें निपटना आता है भाई,
इतना भी बेवकूफ मत समझा करो हमें, थोड़ा बहुत ज्ञान तो हम भी पेलते थे अच्छे तरीके से। बस इन भाई साहब के सामने ज्ञान नहीं पेल सकते क्योंकि बहुत दूर दूर से दपा दप चल नहीं देते। चलो यार मैंने देख लिया ये लास्ट, ओके नो प्रॉब्लम। कब होगी सुबह? अचानक से मैं डर गया भाई, सर स्पाइडर है, स्पाइडर है, स्पाइडर है। स्ट्रिंग मिलेगा जिससे हम फिश रोड बनाएंगे, बनाना ही पड़े क्योंकि मुझे एक केट रखना है ताकि ये जो आ रहा है ना ये देते दानव दोनों एक साथ तो नहीं आ रहे ना भाई, जो वो देते दानव आ रहे हैं वो हमारे पास ना भटक सके भाई। इनकी भी फटती जैसे हमारी इनसे फट रही है, इनकी बिल्लियों से फटती है। ओहो तो तीसरे विलेज पास हम पहुंचे ही थे कि कोई हमारी लेने आ गया। तीसरे विलेज के पास पहुंचे थे हमारी कोई लेने आ गया, खाना खा रहे थे हम और कोई भीख देने आ गया क्योंकि भिखारी लंडे हम। भाई भाई तुम कहाँ खुल रहे हो, जिंदगी झंड कर जाओगे, पेल देंगे वो हमें, तुम लोड़ा खाते रह जाओगे और कुछ समय और। यही दिक्कत रहती है यार कि सब समझ में ही नहीं आता क्या करना है, क्योंकि जब रात हो जाती है और बेड नहीं रहता है। वैसे बेड हम वहाँ से लाएंगे लेकिन देखना पड़ेगा वहाँ भी क्योंकि वो ज़ोंबी वाला लग रहा है, मतलब हर जगह पर जो वैसे मकड़ी के जाल रहते हैं ना जाल लगे हुए हैं। और मैं ओहो आइए आपका स्वागत है, आप आ तो नहीं पाओगे लेकिन क्या करें हम बोलने में। ओहो आ गए, लास्ट खाओ और कुछ तो देके जाओ। और ये बहुत ही बढ़िया शानदार जानदार आयरन इग्नोर देके गए भाई, अच्छा इनका भी स्वागत कर दीजिए यदि ये इधर आ रहे हैं। आ रहे हैं आ रहे हैं, हम तुमसे नहीं खाएंगे मार क्योंकि हमने लिया है सुदीप भाई से यह गेम उधार। तो चलो भाई मैं उसे तोड़ देता हूँ, हाँ अब वहाँ से कोई आ नहीं पाएगा। रुक 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 रुक, ये काहे के लिए हम लाए हैं, ठीक है अब ये स्नो गिर रही है और हमारा क्या होगा हम देखते हैं। वैसे तो चंदा मामा कहाँ पर है, उन्होंने पूरा ही ढक लिया है चंदा मामा को। तो भाई इस कोने में रहने में बहुत फ़ायदा है क्योंकि इधर से भी कोई आ नहीं पाएगा, उधर से भी उतनी हमारी तरफ अट्रैक्ट भी होता है तो हम उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसी बात पे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है। कोई तीर लेके आ रहा है, वो नीचे 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 है, नीचे से पड़ी तो हम एक ब्लॉक आगे हो जाएंगे। वैसे पढ़नी तो नहीं, बिजली कहाँ पर गिरी हमें भी कुछ बता दो। अच्छा एक बात आप नोटिस करिएगा यदि आपके आपके आसपास कहीं बिजली आपके आसपास कहीं पर बिजली गिरती है
तो वहाँ पर हॉर्स आते हैं, जो हॉर्स रहते हैं वो बहुत ही उमदा तरीके से दौड़ते हैं भाई, क्या ही बताऊँ। वैसे जो हमारी एक सेकंड हॉर्स वहाँ पर है और हम जाएंगे हॉर्स के पास पे। वो घर घर में ही गिरी है, घर में ही गिरी बिजली। वो भाई कब होगा ये खेल खत्म? भाई ये तीर वाले थोड़ा दूर ही रहना पड़ेगा। ये रख क्या गया है? बोन और तीर रख के गया है ना। हाँ ठीक है। अच्छा सुबह हो रही है, सुबह हो रही है, सुबह हो रही है। बढ़िया, उसको उधर जाने दो, जाने दो, जाने दो। तुम आ जाओ, आ जाओ, ये भी यहीं पर रुकेगा। देख भी नहीं पाया भाई मैं। आ जाओ कर रहा था, सभी आ गए। अच्छा डे हो रहा है, डे हो रहा है। ओके ठीक है, डे हो गया है। करीबन वीडियो लंबी जा रही है तो मैं इसलिए माफ़ी चाहूँगा सभी दर्शकों से। रोटल मीट ले लूँ, कहीं से स्पाइडर की आवाज़ आ रही है। ये एक स्प्रिंग मिला है, अच्छा दो मिले, दो मिले, दो मिले, बहुत ही काम की चीज़ मिली है भाई। और अब हम जाएंगे ये विलेज में। शायद आप इसे बोल सकते हैं भूतिया विलेज। शायद ही कोई रहता हो यार, क्योंकि माइनक्राफ्ट वालों ने उसे उसी प्रकार दिखाया जिस प्रकार उन्हें दिखाना था कि इस विलेज में कोई नहीं रहता है। नाउ लेट्स सी। अच्छा लावा है उधर, शायद लावा वा की बाढ़ आई होगी तो ये विलेज छोड़ के चले गए होंगे। लावा के पास जाएंगे हम। ओहो यहाँ तो ज़ॉम्बीज रह रहे हैं, क्या बोल दो जाऊँ। चलो पहले घर के दर्शन कर लेते हैं। अरे रिपीटर्स छुटिया का। अच्छा गोल्डन हेलमेट शेडल। भाई अब तुम्हारा भाई नहीं डरेगा, अब तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं डरेगा, क्योंकि एक ऐसी चीज मिली है जो कभी नहीं बन पाती तुम्हारे भाई से और गेम में भी नहीं बनती। बहुत ही चूतिया गेम था ये, मतलब चूतिया गेम नहीं है, मैं ही चूतिया हूँ। तो हमें मिला है शेडल, आप समझ भी नहीं सकते इतनी खुशी हो रही है। पहली बात ईमानदारी से बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा है। आके फेल गया ना तो इतनी सारी चीज़ें चली जाएगी, तो साथ में मुझे कोई चीज़ का टेंशन नहीं इतना जितना शेडल का है।
यार रहने वाले लोग गए कहाँ जी? शायद मेरा इन्वेंटरी खुल गया है। आवाज आई थी अच्छा भेड़ है अच्छा ये विलेजर है जो बोल रहा है भेड़ तो नहीं है ना जल्दी है गेट किधर से यार ये और इधर ये सेंटर है घर का शायद हाँ विलेज का सेंटर है नोटिस किया आपने ये घर का कोई गेट ही नहीं है दो जंबी मुझे मारना पड़ रहा है क्योंकि मैं अभी मरना नहीं चाहता तो इस बात मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है ओह बेरी ने अच्छे तरीके से फाड़ दी अच्छा तो इस साइड लावा था हाँ बंदी है क्या ओहो स्पीड देखो स्पीड बच्चे की तो अब मेरा काम रहेगा मैं यहाँ से बहुत ही दूर चले जाऊँ चलो ठीक है इतने दूर से तो देख लेंगे लेकिन कोई दिक्कत नहीं सनफ्लावर मैं ले नहीं पाऊँगा देखो देखता हूँ मैं कुछ कर सकता हूँ क्या तो कर ये सकता हूँ कि पहले ये पांच है ना बहुत सनफ्लावर ले सकते हैं इसे यहाँ लगा देता हूँ तो अच्छा सनफ्लावर ले सकता हूँ तो भाई इतना खतरनाक विलेज मैंने तक देखा ही नहीं भाई विलेज को हम नाम देंगे ज़ोंबी विलेज मैं नोट कर रहा हूँ है ना सॉरी इसलिए इसका नाम ज़ोंबी विलेज मैंने दिया है और इसका कोऑर्डिनेट नोट कर लेता हूँ 8544 आप भी अपने ये वाले कोऑर्डिनेट पे जाके देखना ज़ोंबी विलेज मिलता है या नहीं अलग अलग होता है तो शायद ही आपको मिलेगा पानी में कूद जाते हैं ना बहुत ही उमदा ये हुई मर्द वाली बात भाई मैं बैटल किंग का बहुत बड़ा फैन हूँ बैरा किंग भाई अच्छी वीडियो बनाते हैं मस्त एकदम दिल खुश कर देते हैं अच्छा उसी बात पे ये यहाँ मैंने रुको एक्सप्लोर कर रहा था मैं है ना तो करीबन अब घर जाना चाहिए या फिर यहीं पर तो मैं पहले थोड़ी दूर और एक्सप्लोर कर लूँगा शायद मुझे कुछ मिल जाए वो विलेज को क्या करूँगा मैं वहाँ पर बहुत सारे मतलब 6 से 7 घर और थे जहाँ मैं एक्सप्लोर नहीं किया और किस किस लिए नहीं किया पता है आपको
जिसकी मैं और पोषण ला के उन्हें थोड़ा दे के उन्हें विलेजर्स बना सकता हूँ, क्योंकि वो विलेज जोम्बिस से फुल हो गया था, तो उसे मैं अच्छा एक विलेज बना सकता हूँ जहाँ पर वापस से लाइफ स्टार्ट हो सकती है। वहाँ पर मैं चाह भी रहा हूँ कि वापस से लाइफ स्टार्ट हो, ताकि वही एक रूटीन बन जाए हमारा कि ये विलेज ये विलेज ये विलेज। चलो कोई दिक्कत नहीं, साथ में सब विलेज हो जाएंगे। चलो ये माइन है, माइन तो अगले विलेज की खोज करें। माइन और विलेज हमें किस दिशा में मिल सकता है? शायद हमें मिल सकता है वो जो आप ये देख रहे हैं, वो पेड़ अजीब सा है, सबसे बड़ा पेड़ दिख रहा है दूर से भी, इतना बड़ा पेड़ है। और ये वाला जो है, अच्छा दो में से कहीं एक पर भी मिलेगा, तो चलो हमें एक्सप्लोर तो करना पड़ेगा ना, दो में से मिलेगा हमें पता है, लेकिन कहाँ मिलेगा ये नहीं पता है, तो लेट्स एक्सप्लोर। ऊपर जा, तो मैं भी यहाँ पर हूँ। ओके बाय।